नमस्कार साथियों, राजस्थान के मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट भर्ती 2022 का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज की वीडियो में अपनी बात करने वाले हैं कि इस नोटिफिकेशन को आपको कहां से डाउनलोड करना है, फॉर्म आपको किस साइट पर मिलने वाला है, फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपका सिलेक्शन इसमें कैसे होगा, ए टू जेड पूरी डिटेल इस वैकेंसी की मिलने वाली है। तो फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना है ताकि आपका फॉर्म है वो गलत नहीं हो और आपकी एक गलती है वो आपके करियर को बर्बाद कर सकती है। इसलिए 5-7 मिनट निकालकर इस वीडियो को देख लेना है। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपको ऑफिशियल साइट rajswasthya.nic.in इस साइट पे जाना है। ये यहाँ पे इस वैकेंसी की ऑफिशियल साइट होने वाली है। हालांकि शिखू भी साइट है लेकिन ये साइट है वो बहुत ही इजी रहने वाली है। सबसे पहले इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अपने सामने यहाँ पे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार की साइट आ गई है। ऑफिशियल साइट मेन साइट पर जाना है। तो यहाँ पर देखो क्लिक हियर फॉर मेन वेबसाइट, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने देखो ऊपरी ऊपर ये नोटिफिकेशन आ चुका है, नर्सिंग भर्ती 2022 नर्सिंग और पैरामेडिकल की वैकेंसी। शॉर्ट विज्ञप्ति जिस पे कल ही वीडियो बनाया था वो ऊपरी ऊपर दी गई है। नीचे यहाँ पे आपके सामने विस्तृत विज्ञप्ति है वो दे दी गई है। कुछ दिनों के बाद में आपके सामने यहीं पे नीचे 3 नंबर पे है वो फॉर्म भरने का लिंक भी आ जाएगा। तो इसी साइट से आपको ऑफिशियल फॉर्म भी भर देना है दोस्तों। हालांकि उसके लिए SSO ID वगैरह बनानी होगी, तो वो भी डिटेल वीडियो में आपको फिर बता दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके आपको ये डिटेल वैकेंसी है वो डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे अपने सामने ये है वो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है दोस्तों। ये ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 7311 वैकेंसी का जो सीरियल नंबर है वो होने वाला है। 16/11/2022 को वैकेंसी आई है। डिटेल नोटिफिकेशन आज यहाँ पे 17/11/2022 को आ चुका है। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो पोस्ट अभी बढ़ के नहीं आई हुई है। नर्सिंग ऑफिसर के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अभी यहाँ पे लगभग आपके लिए 1289 पोस्ट है वो होने वाली है। इसके अलावा आपकी 4000 पोस्ट की जो सेकंड फाइल है वो आपकी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में अभी पेंडिंग है। तो आपको वहाँ पे एक मुहिम चलानी है। ये मुहिम आप ऑनलाइन भी चला सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, जिसमें मैं आपका सहयोग करूँगा। इसके अलावा आप जो राजस्थान सरकार के सभी जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं उनको ज्ञापन दे सकते हैं, मंत्रियों को, सभी जो अधिकारी है भर्ती से संबंधित उनके संज्ञान में लाकर इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए नर्सिंग ऑफिसर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको प्रयास से करना होगा दोस्तों। तो ये पोस्ट होगी है, 1250 पद है अभी के हिसाब से, सिंपल पद है, और 39 है वो सहरिया बैकलॉग के पद होने वाले हैं। इसके अलावा 2020 पद जो आपके यहाँ पे फार्मासिस्ट के होने वाले हैं उनमें 1927 पद है वो आपके यहाँ पे सिंपल होने वाले हैं, और 93 है वो बैकलॉग के होने वाले हैं। यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है उसमें सिर्फ नॉन TSP कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट होने वाली है, TSP के लिए नहीं होने वाली है। और फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है ये नॉन TSP और TSP दोनों के लिए होने वाली है। अब यहाँ पे जो 39 पोस्ट थी नर्सिंग ऑफिसर की 12 जिले के सहरिया के लिए, उनका क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे कर दिया गया है। 20 सामान्य की है, 16 सामान्य महिला की है, 3 यहाँ पे विधवा कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है सहरिया के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट बात है। वीडियो यहीं से स्टार्ट होता है, इससे पहले की बात तो आप कल सुन चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कब से कब भरना है वो पहले बता चुका हूँ, आगे भी बता देंगे। राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र है या विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र है जो कि आपके पिता के नाम से जारी किया गया हो। मेल कैंडिडेट्स हैं उनका सबका पिता के नाम से है, फीमेल कैंडिडेट्स जो शादीशुदा है उनका भी पिता के नाम से जारी किया होना चाहिए राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, तभी आपको है वो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। और ये प्रमाण पत्र है वो आपको फॉर्म भरते वक्त भी आपको अपलोड करना है, देखो अपलोड करना है, तभी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। अब मोटा मोटी और बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो रिजर्वेशन के बारे में मोटा मोटी बात है देखो वो ये है कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो भी मिलने वाला है। तो जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसमें 30% रिजर्वेशन है वो महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। और नर्सिंग ऑफिसर है उनके लिए यहाँ पे
50% 50% रिजर्वेशन है वो रहने वाला है। ये अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अंदर ही रहने वाला है। ये बात हो गई है यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ी रिजर्वेशन से संबंधित। बाकी जो रिजर्वेशन है वो आपको आप पहले की जो भर्ती है उसके अकॉर्डिंग भी रहने वाला है। दोस्तों मोटा मोटी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी जो मेरिट है वो आपके जो परसेंटेज है 12वीं के परसेंटेज है और आपके GNM BSc नर्सिंग के परसेंटेज है उसके आधार पर आपका मेरिट बनाकर और बोनस अंक देकर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी आ गई है, सीनियर सेकेंडरी GNM कोर्स किया होना चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स सॉरी स्टेट गवर्नमेंट है राजस्थान की उससे रिकॉग्नाइज है उन्हीं से किया हुआ होना चाहिए और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ यहाँ पे लिख दी गई है कि आपका फॉर्म जब आप भर रहे हो तो आपका देखो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है 3 नंबर पॉइंट जो रजिस्ट्रेशन का है उसके लिए कि यहाँ पे बिंदु संख्या 3 के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर द्वारा GNM BSc नर्सिंग कोर्स हेतु जारी पंजीयन क्रमांक है वो लिखना जरूरी है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन क्रमांक जरूरी होगा, रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट है वो स्लिप वगैरह है वो आपकी चलने वाली नहीं है। तो आपका अगर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो ही आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। फार्मेसी के लिए डिप्लोमा होना चाहिए और यहाँ पर फार्मासिस्ट की जो फार्मेसी काउंसिल है राजस्थान की उसमें रजिस्टर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों देवनागरी लिपि का आपको यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, यानी हिंदी भाषा का और राजस्थान की संस्कृति और कला का भी ज्ञान होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए पे लेवल 11 के अनुसार आपका पेमेंट मिलेगा, अच्छा पेमेंट। फार्मासिस्ट के लिए पे लेवल 10 के अनुसार मिलेगा। यहाँ पे आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है वो होने वाला है, ये बातें साफ लिख दी गई हैं। इसमें आपको फिक्स पेमेंट है वो दिया जाएगा, लगभग 26,000 रुपये है वो आपका फिक्स पेमेंट होता है प्रोबेशन पीरियड में। यहाँ पे 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। आयु सीमा है उसके बारे में अपने बता देते हैं, तो आयु सीमा है वो मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। अब आयु सीमा में छूट है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, तो राजस्थान राज्य की जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग और EWS के कैंडिडेट्स हैं पुरुष कैंडिडेट्स उनको 5 वर्ष की छूट है, सामान्य वर्ग की महिला है उसको भी 5 वर्ष की छूट है अपर एज में। और यहाँ पे राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर महिला है उसको 10 वर्ष की छूट है, बाकी जो अदर कैटेगरी है उनको अपने पूर्व के जो कैटेगरी नियम है उसके अकॉर्डिंग छूट मिलने वाली होने वाली है। दोस्तों ये चीज़ हो गई है यहाँ पे विस्तृत चीज़। अब इसमें यहाँ पे साफ साफ और क्या क्या चीज़ें लिखी गई है वो बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो चयन प्रक्रिया में साफ साफ लिखा गया है कि आपकी जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व्यावसायिक योग्यता यानी आपकी GNM या BSc नर्सिंग है प्लस आपके अनुभव के आधार पर जो बोनस नंबर दिए जाएंगे उनको जोड़कर वरीयता है वो डिसाइड की जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म में आप जो डाटा डालोगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनाई जाएगी, उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो ओरिजिनल मेरिट है वो जारी करके आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको साथ अपलोड करने हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि किन किन वीडियो को आपको अपलोड करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, पास में बेल आइकन आ रहा है उसको दबा के रख लेना है। 24/11/2022 शाम 4 बजे से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 23/12/2022 रात्रि 12 बजे तक फॉर्म है वो आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पे देख लेना है कि फॉर्म में कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं रहेंगे, फिर भी अगर कोई मिस्टेक हुई तो यहाँ पे जो राज स्वास्थ्य है वो आपको मौका देगा, लेकिन इसके लिए आपको 200 रुपये लगेंगे। तो आपको 200 रुपये लगाने से अच्छा है कि इस वीडियो को देखें पूरा और जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ के पूरी टर्म्स एंड कंडीशन समझने के बाद में आपको फॉर्म भर देना है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने का प्रोसीजर का वीडियो है वो आगे आ जाएगा आपका जब भी फॉर्म है वो अपलोड यहाँ पे भरना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा दस्तावेज के बारे में भी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं बता दूंगा फोटो कौन सी लगानी है, साइन आपको किस तरह से करना है, किस किस टाइप के आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको डालने हैं ऑनलाइन अपलोड करने हैं। फीस है सामान्य वर्ग
राजस्थान के क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग हैं वो उनको 500 रुपये देना है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग है आर्थिक डब्लू जो EWS है उनको 350 रुपये की फ़ीस देनी है। इसके अलावा दूसरी कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपये की। राजस्थान के TSP क्षेत्र के अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति 12 के जो शहरिया कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 250 रुपये की फ़ीस है वो देनी पड़ेगी इस फॉर्म को भरने के लिए। दोस्तों ये होगी है मोटा मोटी यहाँ पे बात। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भी दे दिए गए हैं। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो सही होना चाहिए पूरी वैकेंसी के दौरान, वो बंद नहीं होना चाहिए। वो आपको उसी के अंदर मिलने वाली है आपसे। ऑफलाइन कोई भी लेटर आपके घर पर यहाँ पर नहीं आने वाला है दोस्तों। ये हो गई है मेन बात। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आपके रहने वाली है वो मैं आगे आपको बता देता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे जब बात आती है कि बोनस अंक कितने दिए जाएंगे, तो बोनस अंक दोस्तों पिछली जो वैकेंसी थी उसमें 1 साल के 10, 2 साल के 20 और 3 साल के 30 दिए गए थे। लगभग इस वैकेंसी में भी इसी तरह से बोनस अंक दिए जाने हैं। अगर बोनस अंक के नियम में कुछ चेंज हुआ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो बना दूंगा उस पर सूचना आपको मिल जाएगी। बाकी आपके जो 12वीं के परसेंटेज है और आपके जो नर्सिंग के परसेंटेज है उनको जोड़कर उनका प्रतिशत निकालकर और बोनस अंक है वो जोड़कर आपके है वो नंबर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे बोनस अंक है वो किस किस को दिया जाएगा वो भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखो राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ये 15/11/2022 के अनुसार जो पात्र अभ्यर्थी है उनको समरूप कार्य करने के सेवा अवधि का बोनस है वो दिया जाएगा। किस किस को दिया जाएगा, तो यहाँ पे देखो कार्मिक विभाग की अधिसूचना है और मान्य न्यायालय द्वारा पारित जो विभिन्न निर्णय है उनके अनुसार राजस्थान सरकार के चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग के अधीन राजस्थान में संचालित योजना में विभिन्न विज्ञापित पद के समान कार्य करने वाले संविदा, व्यक्तिगत अनुबंध, अस्थायी आधार, UTP, MRS, प्लेसमेंट एजेंसी, NGO 108, PPP मोड के माध्यम से कार्य करने वाले संविदा को दी गई सेवा अवधि के आधार पर, अनुभव अवधि है के आधार पर आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। फार्मासिस्ट के लिए आपको राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग के अधीन सहकारिता उपभोक्ता होलसेल भंडार, सहकारिता उपभोक्ता भंडार, अन्य सहकारी संस्था में कार्य करने के लिए संविदा के आधार पर बोनस अंक है वो आपको दिया जाएगा। आपको अनुभव प्रमाण पत्र का एक फॉर्मेट होगा, उसी फॉर्मेट में आपका है वो अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनाना है दोस्तों। ये पूरी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा दोस्तों। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे दिमाग में रख लेनी है दोस्तों। मोटा मोटी ये बात हो गई है आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अब बात किया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतजार कर लेना है। इसके अलावा आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और वैकेंसी की शर्तें क्या रहेगी वो मैंने बता दिया। परसेंटेज में होने वाली ये वैकेंसी है, अनुभव के अंक दिए जाएंगे, नर्सिंग ऑफिसर के जो पोस्ट के कैंडिडेट्स हैं उन सबको मिलकर ऑनलाइन यानी सोशल साइट्स पर भी अपनी मुहिम को पोस्ट बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाना है और राजनेताओं, सरकार के प्रतिनिधियों को सामने भी आपको मांग रख देनी है। तो जल्दी होता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पास मेरा बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।